कभी कभी ऐसा होता है कि मेहमान आ जाते हैं और हमको पनीर की सब्जी बनानी होती है आमतौर पर, लेकिन क्या बनाएं कि सब्जी ऐसी लगे जैसे रेस्टोरेंट और ढाबे से मंगाई है। तो बिना काजू, बिना क्रीम के और बहुत ही कम सामान में एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहा हूँ जो सबको पसंद आने वाली है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। पनीर दो प्याज़ा बनाने के लिए हमने ये दो छोटे छोटे से प्याज लिए हैं। इनको क्या करेंगे, इनको करेंगे 1/4 इस तरह से, और उसके बाद में एक एक फलक इनकी निकाल देंगे इस तरह से। प्याज जितना छोटा होगा ना उसको फिर और छोटा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको कहा कि प्याज थोड़े छोटे लीजिए। और जिनकी फलक नहीं निकल रही, जैसे इसकी फलक नहीं निकल रही है, तो आप इसको स्लाइस कर सकते हैं। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। दो प्याज जो छोटे छोटे हमने लिए थे उनको तो हमने डाइस काट लिया, और ये जो दो प्याज हमने लिए मीडियम साइज के इनको स्लाइस करेंगे। फाइन स्लाइस निकालिए इनकी। फाइन स्लाइस निकालने से क्या होता है कि ये अच्छी तरह से गल जाते हैं फ्राई होने के बाद में। चार हमने यहाँ पे मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। टमाटर बिल्कुल लाल लाल लें, पके हुए टमाटर लें। पके हुए जो टमाटर होते हैं वो खट्टे कम होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा खट्टे टमाटर होंगे तो ग्रेवी को खट्टा कर देंगे। फाइन चॉप कर लेंगे इसको बिल्कुल। यहाँ पे लिए हमने 1 कप दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। खट्टा नहीं होने का मतलब ये है कि फ्रेश दही होना चाहिए। ये क्या काम करेगा, ये एक क्रीमीनेस लेके आएगा, एक बाइंडिंग देगा ग्रेवी को, क्योंकि सिर्फ टमाटर प्याज की बनाएंगे तो उससे बाइंडिंग नहीं आएगी। इसी में मसाले ऐड करते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। एक बढ़िया सा कलर आ जाए उसके लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 छोटे चम्मच बहुत रहेंगे। कच्चा जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच। धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच। धनिया पाउडर बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए, इससे कड़वापन भी आता है कालापन भी आता है। और इन सभी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। एक मसाला हम तैयार करते हैं इसके लिए। 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। 1 छोटा चम्मच सौंफ, पतली वाली सौंफ का इस्तेमाल करें, इसमें मीठापन होता है। 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे जीरा, जीरा ज़्यादा नहीं करना है। 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 2-3 सूखी लाल मिर्च। लो फ्लेम पे हल्का सा भून लीजिए इसको, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। सबसे पहले कलर आएगा सौंफ में, और खुशबू भी सौंफ की पहले आएगी, उसके बाद में खुशबू आएगी धनिए की। बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ी देर भूनेंगे इसको। हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू यहाँ पे आने लगी है। गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसको हम बना लेंगे पाउडर, लेकिन बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखेंगे। 1 बड़ा चम्मच बटर, और यहाँ पे हमने तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, और बटर फिर भी नहीं जलेगा। करना क्या है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखना है, और जब बटर मेल्ट हो जाए, सिर्फ मेल्ट, तो ये पनीर डाल देंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे हमने 200 ग्राम पनीर का इस्तेमाल किया है। बटर के साथ में पनीर को जब भुना जाता है, फ्राई किया जाता है, उसका टेस्ट जस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि हमने बटर डाला है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम या फिर लो ही रखें, तेज़ रखेंगे तो कालापन आ जाएगा। बटर में जब इसी तरह से पकाया जाता है तो बटर का असली टेस्ट आता है, जो नटी फ्लेवर होता है बटर का, ऐसे ही आता है। और यहाँ पे पनीर पे हल्का हल्का सा कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है इसको। वैसे होटल्स और रेस्टोरेंट के अंदर इस तरह से ये प्रोसेस नहीं किया जाता, उसमें पनीर को हमेशा डीप फ्राई करके रखा जाता है, लेकिन हम घर पे बना रहे हैं तो हमको ये ज़रूरत नहीं है। ये जो प्याज हमने काट के रखा था डाइस में, वो भी ऐड कर लेंगे यहाँ पे। एक बढ़िया सा कलर पकड़ ले पनीर और प्याज, तो थोड़ी सी हल्दी, और ये गई 2-3 चुटकी लाल मिर्च पाउडर। अब प्याज को भी सौते कर लेंगे पनीर के साथ में। प्याज में कच्चापन रहना चाहिए, इसलिए मैंने बाद में डाला। प्याज में कच्चापन रहेगा तभी मज़ा आएगा, इसका जो क्रंच है वो सब्जी में होना चाहिए। पूरी तरह से गल जाएगा तो पनीर दो प्याज बनेगा ही नहीं। ये गई 1 हरी मिर्च, ये हल्की सी कच्ची रहनी चाहिए, इसलिए बिल्कुल लास्ट में डाल रहा हूँ। 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, हल्का सा बटर के साथ में इन्फ्यूज़ हो जाएगा। बाइंडिंग के लिए मैं बेसन का इस्तेमाल भी कर रहा हूँ यहाँ पे। होटल रेस्टोरेंट के अंदर बेसन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहाँ पे काजू पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम हल्का सा डाल रहे हैं। और बेसन को भी बटर, प्याज सभी के साथ में भून लिया जाएगा। बेसन में कच्चापन नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। मुश्किल से हम इसको 1 से 1.5 मिनट चलाएंगे बेसन को, और इतनी ही देर में बेसन पक जाता है। हमने यहाँ पे बेसन के साथ में इसको कोट कर दिया है, तो पनीर हार्ड नहीं होगा। अगर आप बेसन के साथ कोट नहीं करते तो इसमें पानी डाल के आपको रखना पड़ता, लेकिन अभी पनीर हार्ड नहीं होगा बिल्कुल भी। चलिए गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए पनीर को फ्राई, क्योंकि इससे क्या होता है, पनीर रबड़ जैसा लगता है। फिर इसको कर देते हैं साइड में, क्योंकि ये लास्ट में जाएगा। एक कढ़ाई हमने यहाँ पे ले ली है, और इसमें डाल रहे हैं 3 बड़े चम्मच तेल के। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है, तो खड़े मसालों में हम यहाँ पे तेज़पत्ता और एक बड़ी इलायची डाल रहे हैं। आप चाहें तो और खड़े मसाले, जो बाकी खड़े मसाले हैं, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर 2 डाल रहे हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। जैसे ही तेज़पत्ता की खुशबू आने लग जाए तो प्याज डालिए यहाँ पे। जो प्याज हमने स्लाइस करके रखा हुआ था वो ऐड कर दीजिए। हाथों से हल्का सा इस तरह से खोल दीजिए इनको। गैस की फ्लेम को तेज़ करते हुए इसको भूनिए। और जब भी प्याज को भूना जाता है, ख़ास तौर से इस तरह से स्लाइस प्याज को, तो हमेशा लगातार स्टर करते रहिए,
ऐसा करने से क्या बराबर कलर आता है बढ़िया वाला, वरना होता क्या है एक तरफ से काला पड़ जाता है एक तरफ से बिल्कुल वाइट सा रहता है। तो लगातार इसको चलाते रहिए हाई फ्लेम पे, और ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है, काला नहीं है गोल्डन है। काला हो जाएगा तो कड़वापन आ जाएगा। तो बस ज़्यादा नहीं, यहीं पर रोकेंगे इसकी कुकिंग प्रोसेस को, मतलब फ्राइंग को। हम डाल देंगे टमाटर, ये गया नमक, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और टमाटर को पकाएंगे अच्छा वाला। टमाटर में किसी भी तरह का कच्चापन नहीं होना चाहिए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए टमाटर को गलने दीजिए, आप चाहें तो इसको कवर भी कर सकते हैं, यहाँ पे काम जल्दी हो जाएगा। चलिए टमाटर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे टमाटर गल रहा है, यहाँ पे पूरी तरह से नहीं गला है, अभी थोड़ी सी कसर है इसके अंदर, लेकिन प्याज धीरे धीरे करके मेल्ट हो रहा है क्योंकि प्याज को हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया था यहाँ पे। लेकिन अभी आप देखेंगे ना ऐसा लगेगा प्याज कच्चा है क्योंकि प्याज ने पानी पी लिया है अभी। और धीरे धीरे करके इसको मैश कीजिए इस तरह से, मैश करने से प्याज भी घुल जाएगा टमाटर भी घुलेगा। अब आप कहेंगे पीस के डाल देते, नहीं पीसेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाएगा। और ग्रेवी के अंदर हमको दरदरापन चाहिए, जो हमारी ग्रेवी है फाइन नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको हमने पीसा नहीं है। इस तरह से मैश करेंगे तो धीरे धीरे करके प्याज टुकड़ों में टूट जाएगा। जो मसाला हमने तैयार करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे यहाँ पे, लगभग 10 से 12 लहसुन की कलियाँ जो चॉप करके हमने डाल दी हैं यहाँ पे। अच्छी तरह से इसको करेंगे मिक्स। अब मसालों की खुशबू भी आपको आने लग जाएगी यहाँ पे। अब जो दही के साथ में हमने मसाले घोल के रखे थे वो भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि मसालों को पकने भी तो टाइम लगेगा। और जैसे ही आपने दही डाला लगातार उसको स्टर कीजिए, वरना दही कड़ल हो जाता है, फट जाता है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिए, जब तक एक उबाल नहीं आ जाता तब तक इसको स्टर करते रहना है। मसाले में आ चुका है उबाल, तो अब गैस की फ्लेम को कर दीजिए थोड़ा सा कम, क्योंकि मसाले धीमी आँच पर ही पकने चाहिए। आप चाहें तो उसको कवर कर सकते हैं। चलिए मसाले को यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मसाले ने बहुत बढ़िया रोगन यहाँ पे छोड़ दिया है, ये देखिए कलर भी डार्क हो चुका है, और ग्रेवी जो है पेस्ट जैसी नहीं है, दानेदार है ये देखिए। और आप चाहें तो इसको और मैश कर सकते हैं इस तरह से, इसको मैश करेंगे तो और बढ़िया हो जाएगी ग्रेवी। यहीं पर ऐड करेंगे हम पनीर और प्याज जो हमने सौते करके रखा था। अभी आपको ड्राई जैसा लग रहा होगा लेकिन ये अंदर से सॉफ्ट है बिल्कुल। यहीं पे हम थोड़ा सा गर्म पानी भी ऐड करेंगे, कितना, आधा कप के आसपास, ज़्यादा नहीं भाई, पनीर भी तो अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। और इसके साथ में जो बेसन लिपटा हुआ है वो भी तो ग्रेवी के अंदर मिक्स होना चाहिए। ये जो पनीर की सब्ज़ी बनती है ये ड्राई बनती है, लेकिन लिपटी हुई, ड्राई का मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं, ग्रेवी लिपटी हुई होनी चाहिए। इसको कवर करते हैं, 4 से 5 मिनट और पकाएंगे। तो चलिए सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। वाह बहुत ही बेहतरीन लग रही है भाई, देखिए आप सब्जी का कलर देखिए, टेक्सचर देखिए आप, कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि इसमें काजू नहीं डाला है, लग रहा है ना काजू वाली ग्रेवी, लेकिन काजू बिल्कुल नहीं डाला है इसके अंदर। हाँ आप ये जो सब्जी बना रहे हैं तो जो दही आप ले रहे हैं वो खट्टा नहीं होना चाहिए, अगर खट्टा हो गया ना फिर बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी, फिर मज़ा नहीं आने वाला है। तो चलिए जैसे ढाबों में करते हैं ना, थोड़ा सा अदरक मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, जूलियन बहुत अच्छा टेस्ट आता है अदरक का। अगर आप जूलियन नहीं करना चाहते हैं कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं ऊपर से, थोड़ा सा गरम मसाला नाम का। ये है फ्रेश मलाई, दूध वाली मलाई, बस 1 बड़ा चम्मच या 2 बड़ा चम्मच आप डाल सकते हैं यहाँ पे क्रीमिनेस के लिए। और धनिया, धनिया तो श्रद्धानुसार जाना ही जाना है ऑनेस्ट किचन के अंदर, इसके बगैर तो सब्जी अधूरी है। वाह इस सब्जी को देख के मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पे हो जाएं 3-4 पराठे और पेल लिए जाएं फटाफट से। ये देखिए आप, अब देखिए रंगत, गजब की रंगत आई है ग्रेवी, ये तैयार हो गई बेहतरीन सब्जी, होटल रेस्टोरेंट से भी बढ़िया, आपको ढाबे में भी नहीं मिलेगी इतनी बढ़िया सब्जी। एक बार ज़रूर ट्राई करना, सबको पसंद आएगी।